नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप इस वक्त देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज। बेगूसराय एसपी अवकाश कुमार ने आते ही अपने विशेष छापेमारी अभियान के द्वारा अपराधियों पर लगाम लगा दिया है। बता दें कि एक गुप्त सूचना के आधार पर नाव कोठी थाना क्षेत्र के पसारा गांव के कुख्यात अपराधी बबलू सिंह उर्फ बबुआ सिंह सहित रामदेरी थाना क्षेत्र के कार्य सिंह एवं सामहो थाना क्षेत्र के राजन कुमार को पुलिस ने पसारा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि तीनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से घूम रहे थे। गिरफ्तारी के क्रम में इनके पास से 2 देसी कट्टा, 1 ऑटोमेटिक पिस्टल, 16 गोली, 1 चाकू एवं 1 अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बता दें कि पसारा का बबलू सिंह इससे पहले भी 9 साल की सजा काट चुका था और जेल से बाहर आते ही एक घरेलू विवाद में अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर फरार हो गया था। एसपी अवकाश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बताया कि इन तीनों पर विभिन्न हत्या एवं आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई कर इन्हें जेल भेजा जाएगा। सदर इनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने छापेमारी करते हुए वहां घटनास्थल से 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। उनके पास से कुछ सामग्रियां बरामद हुई हैं। जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम बबलू सिंह है, जो नावकोठी का रहने वाला है, पसारा का ही, जो पूर्व के केस में सजा याफ्ता था, 9 साल सजा काट के जेल से बाहर आया था। उसके कुछ दिन के बाद ही अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी उसमें और उसमें वो फिरार चल रहा था। इसके अतिरिक्त एक कारी सिंह मटियानी थाना का, उसकी गिरफ्तारी हुई है, और एक राजन कुमार सामो थाना का, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इन तीनों के हत्या और आर्म्स एक्ट के केसेस के अपराधी के इतिहास रहे हैं पूर्व के। इन लोगों के पास से 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, कुछ 315 की जिंदा गोलियां और कुछ 7.65 की गोलियां, 1 मोटरसाइकिल, ये चीजें बरामद।